भिखारियों की पैंटे तो पहले उतर गई थी, अब सिर्फ बची है चमड़ी। अब उतरेगी इनकी चमड़ी भाई। दोस्तों आज सुबह सुबह एक खबर आई है कि भिखारिस्तान के अंदर गूगल प्ले स्टोर 1 दिसंबर से बंद हो जाएगा। अब दिसंबर 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर को बैन कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, 34 मिलियन डॉलर्स की रकम को रोक लिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। बैन होता है गूगल प्ले स्टोर तो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अब पाकिस्तान की इंटरनेशनली बेइज्जती भी होना शुरू हो गई है, जहां पर गूगल ने पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द गूगल के 34 मिलियन डॉलर्स लौटा दे, नहीं तो वो अपनी सर्विस पाकिस्तान में बंद कर देंगे। जहां पर पाकिस्तान को गूगल का अल्टीमेटम आने के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि 1 दिसंबर से लोगों को सोशल मीडिया पाकिस्तान में यूज करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल ने प्ले स्टोर को पाकिस्तान में बंद करने की धमकी दे दी है। और अब आवाम अपने गवर्नमेंट को इस मुद्दे के ऊपर कोस रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के कारण ही पाकिस्तान में गूगल को बैन किया जा रहा है। कुछ पाकिस्तानियों को तो इसमें भी भारत का हाथ दिख रहा है, क्योंकि भारत का एक व्यक्ति गूगल का सीईओ है। पर ये लोग अपने सरकार से ये नहीं सवाल पूछेंगे कि सरकार ने गूगल के 34 मिलियन डॉलर्स क्यों रोके हैं, पर ये ऐसे ही बहाने ढूंढते रहेंगे कि किसी और देश ने इनके ऊपर साजिश की है और ये साजिश के कारण उनको सोशल मीडिया ऐप्स यूज करने को नहीं मिल रहे हैं। तो क्या ऐसे बहाने मारकर पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा, देखकर तो नहीं लगता। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। भिखारियों की पैंटे तो पहले उतर गई थी, अब सिर्फ बची है चमड़ी। अब उतरेगी इनकी चमड़ी भाई। दोस्तों आज सुबह सुबह एक खबर आई है कि भिखारिस्तान के अंदर गूगल प्ले स्टोर 1 दिसंबर से बंद हो जाएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये बंद क्यों होगा? भिखारिस्तान की सरकार ने, कटोरे सरकार ने इन कंपनियों को पैसा देना बंद कर दिया है, इस वजह से ये 1 दिसंबर से ये पूरा सर्विस बंद हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें बंद होने वाली है, रुको जरा सबर करो। अब आप लोग सोच रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर बंद हो जाएगा तो ये भिखारी जो है ये कहां से डाउनलोड करेंगे ये गूगल प्ले स्टोर का सामान, ये एप्लीकेशन वगैरह कहां से डाउनलोड करेंगे? तो दोस्तों आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब ये भिखारी जितनी भी आवाम है ये अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक कार्ड, मास्टर वीजा कार्ड जो भी है, इनसे ये लोग ये सब कुछ कर ही देंगे। अगर किसी को कोई छोटी सी गेम भी डाउनलोड करनी होगी तो वो भी उसे परचेस करके डाउनलोड करेगा। आया ना मजा? बड़ा हरामी सरकार है। पैंट तो पहले उतार दी थी भिखारियों की, अब चमड़ी उतार रहा है। अब रह जाएगा भिखारी आवाम का सिर्फ स्केलेट नीचे। स्केलेट इन आवाम। और जो लोग मुफ्त में फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी ऐप एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। और उसके बाद होगा यही कि अगर आप परचेस करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गूगल वालों से बातचीत जा रही है कि यार कोई शर्म करो, मतलब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है तो तुम लोग कह रहे हो कि मतलब एप्स खरीदने के पैसे लें। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल बुरी खबर ये है
कि 1 दिसंबर से सारी एप्लीकेशंस जो फ्री में सब लोग यूज कर रहे थे पाकिस्तान में, वो बंद होने जा रही हैं। खैर अभी भी 2-4 दिन रह गए हैं 1 दिसंबर आने में, हो सकता है तब तक हमारी गवर्नमेंट और जो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट में ये बात करने के, वो कहीं ना कहीं से बातचीत करके और इन लोगों को रोक लें और इनको कुछ समझा लें। मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कह रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी काम है, लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ उधर से। अच्छा, इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाहते हैं रिलीफ मिलेगा? आपको क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है? आईएमएफ से हम लोगों ने जितना कर्जा लिया है, हम लोगों ने आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट्स, आईएमएफ का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया, आईएमएफ भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है, इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? नो, वी वॉन्ट गिव देम ना $34 मिलियन, हम कम देंगे, और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना। Why are we saying के emotional blackmail? Emotional blackmail, negotiation. This is negotiation tactic. Because Pakistan do give them a revenue, ना कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको they want us के play store चले यहाँ पे, तो थोड़ा वो भी down करेंगे। पाकिस्तान की जो economy है वो तो किसी के छुपी भी नहीं है, बहुत down है हमारी। और main मसला ये, आप पाकिस्तान की अगर youth देखें, percentage देखें, last 2-3 years में our यूथ में से 30-40% अब्रॉड जा रहे हैं। पाकिस्तान रुक ही कोई नहीं रहा। क्यों जा रहे हैं? इकॉनमी डाउन है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे की कदर ही नहीं है, और जो बातें हैं डिफॉल्ट में हम जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल अब ये पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग आज ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि हम लोगों ने किस तरीके से बाहर से पैसा देकर अपनी ऐप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है, और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बहुत आगे आईटी में। We shouldn't compare ourselves with India. I think we shouldn't compare ourselves with Iran or Sri Lanka in IT. हम उनसे भी पीछे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा mostly हमारी economy में डाउन है, दूसरा interest, लोगों का interest भी नहीं है। अब हमारा जो interest है ना IT, people, you ask them, they'll only tell you about Instagram reels making or TikTok reels. They won't say about freelancing, many things that the earning के लिए भी, मतलब reels वगैरह से लोग earn कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा productive हैं उनकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा hard है। इसलिए हम IT में इस वजह से भी पीछे हैं कि हमारा जो interest है ना वो इस तरफ है भी नहीं।